संगीत के बाद आइए अब चलते हैं साहित्य की दुनिया में। व्यंगकार के रूप में अपनी पहचान रखने वाले प्रोफेसर योगेश चंद्र शर्मा ने कविताएं, नाटक, कहानियां और निबंध भी लिखे हैं। पिछले 6 दशक से लिख रहे प्रोफेसर शर्मा की अब तक 1 दर्जन पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। पेश है चांद मोहब्बत की प्रोफेसर योगेश चंद्र शर्मा से बातचीत। नमस्कार, मैं चांद मोहम्मद। आज हमारे साथ में है प्रोफेसर योगेश चंद्र शर्मा। व्यंग्यकार के रूप में अपनी खास पहचान रखने वाले प्रोफेसर योगेश चंद्र शर्मा ने नाटक, कहानियां, कविताएं भी लिखी है। पिछले 6 दशकों से लेखन से जुड़े प्रोफेसर योगेश चंद्र शर्मा से आज हम जानेंगे इनकी लेखनी के बारे में और साथ ही साहित्य से जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में। योगेश चंद्र जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर, आपकी लिखने की शुरुआत किस विधा से हुई? लिखने की शुरुआत तो सर मेरी बचपन से ही हो गई थी। मैं शायद 7, 8, 9 साल का ही रहा हूंगा जी। तब मेरे पड़ोस में एक सज्जन रहते थे, वो उन्होंने रामायण को अपने शब्दों में लिपिबद्ध किया था जी। तो मैं भी उस समय पर चौपाई के रूप में, कविता के रूप में रामायण के कुछ हिस्सों को मैंने किया। यद्यपि उसको केवल तुकांत ही कहेंगे, कोई उसमें कविता जैसी बात तो नहीं थी जी। क्योंकि समय बचपन में 7-8 साल का बच्चा क्या लिखता। उसके बाद में फिर धीरे धीरे साहित्य के क्षेत्र में मैं आगे बढ़ा। पहली रचना जो मेरी प्रकाशित हुई जी, वो महिला जागृति अलवर से निकलती थी, मैगजीन निकलता था मैगजीन। उस मैगजीन में मेरी कविता छपी थी महिलाओं के ऊपर, कि नारी क्रांति तू अब मचा दे जी। दिखा जरा अपनी ताकत को कि महिलाएं भी कभी कुछ थी, झांसी की रानी भी तो आखिर महिला थी, कुछ इस तरह की थी, पूरा याद नहीं है मुझे, लेकिन इस तरह की कविता पहली बार महिला जागृति में छपी। उसके बाद मैं स्कूल शिक्षा प्राप्त कर लिखता रहा, लिखने का कार्यक्रम चलता रहा, ज्यादातर कविता ही लिखता था उस समय पर। तो फिर इसके बाद जयपुर आ गया। जयपुर आकर के फिर मेरा कार्यक्षेत्र भी थोड़ा सा आगे बढ़ा। कविता के साथ साथ मेरे लेख मैंने लिखने शुरू किए और मेरा पहला लेख राष्ट्रदूत में, जहां तक मुझे स्मरण है, राष्ट्रदूत में छपा था। कश्मीर गया था मैं, कश्मीर यात्रा पर मैंने अपने संस्मरण लिखे थे, यात्रा वृत्तांत के रूप में, यात्रा वृत्तांत के रूप में लिखे थे कश्मीर यात्रा पर, तो उसके ऊपर मैंने उसमें लिखा था राष्ट्रदूत में। इसके बाद में मेरा संबंध आकाशवाणी से हुआ। आकाशवाणी पर प्रारंभ में जब आकाशवाणी स्थापित हुई थी, ये घटना 1954-55 के आसपास की है जी। तो आकाशवाणी स्थापित हुई थी तो उस समय पर मैं आकाशवाणी से जुड़ा आकाशवाणी के कलाकार के रूप में। वो भी एक अजीब घटना थी। स्टेज पर मैं करता था एक्टिंग, तो स्टेज पर ऐसे एक बार एक्टिंग कर रहा था तो आकाशवाणी के एक सज्जन गंगा प्रसाद जी माथुर वहां पर आए और उन्होंने मेरा परिचय प्राप्त किया और मुझसे कहा कि साहब आकाशवाणी पर आइए। तो उस समय तो आकाशवाणी बड़ी अजीब चीज हुआ करती थी, बहुत बड़ी बात हुआ करती थी उस जमाने। मैं ये बात कर रहा हूँ 1954-55 के आसपास की बात। तो मैं घबराया, मैंने भाई क्यों बुला रहे हैं, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई आदमी पुलिस में बुला रहा है। तो मैंने पूछा, मैंने भाई क्यों साहब, मैं क्यों आऊं वहां पर, जो कि हम आपकी वॉइस टेस्ट करेंगे माइक के ऊपर। तो ठीक है सर, मैं गया वहां पर, वॉइस टेस्ट की उन्होंने और ईश्वर की कृपा से उसमें मैं पास हो गया। तो फिर उसके बाद वहां पर नाटक ड्रामा आर्टिस्ट के रूप में मैं आकाशवाणी के साथ जुड़ा और ड्रामा आर्टिस्ट के बाद में ड्रामेटिस्ट के रूप में मैंने अपने संबंध बनाए आकाशवाणी के साथ। बहुत सारे नाटक लिखे। वो गंगा प्रसाद जी माथुर अक्सर मुझे टॉपिक देते रहते थे, विषय देते रहते थे, घटनाएं इधर उधर होती थी, उन घटनाओं के बारे में बतला देते कि इस घटना पर लिखो, इस घटना पर लिखो। मैं नाटक तैयार करता, वो नाटक वहां ब्रॉडकास्ट होते। बहुत से मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर जी प्रसाद, इन लोगों की कहानियां थी, उनका रेडियो रूपांतरण भी मैंने किया, काफी प्रसारित हुए वो। इसके बाद नाटककार के बाद में फिर उन लोगों ने मुझे व्यंग के लिए कहा तो मैंने व्यंग लिखना शुरू किया। व्यंग में भी मेरी प्रतिभा ईश्वर की कृपा से काफी आगे बढ़ी और काफी सारे व्यंग प्रसारित हुए। टॉक्स ली उन्होंने, वार्ताओं में खूब भाग लिया और कविताएं भी यथाकथा हुई। और इसके उपरांत तो लेखन का कार्यक्रम चलता ही रहा, आगे बढ़ता ही रहा। यहां पर मैं उन दिनों में जब आकाशवाणी से संबंध था, मैं उन दिनों में एजी ऑफिस में सर्विस करता था। प्रारंभिक जीवन बड़ा संघर्षमय रहा जी। जब बीए कर लिया था उसके तत्काल उपरांत पिताजी की मृत्यु हुई थी, फिर
उसकी वजह से मुझे एक सर्विस ज्वाइन करनी पड़ी, छोटी सी सर्विस कस्टोडियन ऑफ ईवे की प्रॉपर्टीज में। फिर उसके कुछ शायद एक साल डेढ़ साल तक मैंने उसमें काम किया, उसके बाद एजी ऑफिस में इंटरव्यू में गया, वहां सिलेक्शन हो गया, वहां पर मैंने अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली एजी ऑफिस में, और एजी ऑफिस में रहते हुए ही मैं आकाशवाणी से संबंधित रहा। आपने आकाशवाणी में भी नाटक प्रसारित किए और आपके लिखे नाटक रंगमंच पे भी रंगमंच पर भी हुए हैं। दोनों में देखें तो कौन सा मजबूत माध्यम है, जहां से एक मजबूत माध्यम? तो मेरा मूल रूप में तो मैंने नाटक आकाशवाणी के लिए ही लिखे थे जी, लेकिन फिर उसके बाद में उन नाटकों को मैंने परिवर्तित करके आवश्यकता के अनुसार और परिस्थिति के अनुसार उनको स्टेज के अनुरूप बना लिया। बाकी स्टेज पर भी काफी नाटक मेरे हुए हैं, आपके ये जो थे सरताज माथुर, इन्होंने भी मेरे नाटक किए हैं, और भी लोगों ने मेरे नाटक स्टेज किए हैं। थिएटर से जुड़े थिएटर से जुड़े जो आपको गुदगुदाते हैं। बहुत सारे थिएटर की ही मैं आपको किस्सा सुनाऊं कि बहुत से हैं किस्से, तो बहुत हैं, ढेरों किस्से हैं ऐसे। बाकी एक छोटा सा किस्सा सुनाऊं कि मैं रेडियो पर ही वो हो रही थी रामलीला हाँ, तो वहां पर जो है रावण सीता को हर के ले जा रहा था। तो अब रेडियो पर तो कोई आदमी एक्शन करने की तो जरूरत नहीं होती, वहां तो केवल आपको अपने डायलॉग से बोलने के स्टाइल से पता लगता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो वहां पर सीता को रावण उठा करके ले जा रहा है, तो अब वहां पर सीता को वहां यहां से तो ठीक है, और फिर उसके बाद में सीता रावण को धक्का देती है। तो सीता जब रावण को धक्का देने की कोशिश करती है तो वीडियो पर उसको धक्के देने की जरूरत नहीं है, वो तो खाली वजह एक्शन करते जाओ जी इधर से जाओ इस तरह से। तो अब वहां पर जो है उसने सीता ने जिस सीता का जो पार्ट करी थी उसको पता नहीं गुस्सा बहुत ज्यादा आया और उसने रावण को वास्तव में धक्का दे दिया। रावण का पार्ट कर रहे थे, मुझे याद है घनश्याम, घनश्याम तो वो चले गए यहाँ से, दुनिया से चले गए घनश्याम, नंदलाल जी भी थे, घनश्याम जी भी थे, सब थे, बाकी उस समय पर ये थे घनश्याम जी थे जिनको धक्का दिया था। तो वो जब जोर से उन्होंने धक्का दिया तो स्टूडियो की दीवार से जाकर टकराए हो, और जाते ही जो ही वो टकराए तो उसने कहा कि इडियट। अब ये ब्रॉडकास्ट हो गया, इडियट से ब्रॉडकास्ट हुआ नहीं जी। वो जो है जो गंगा प्रसाद जी थे वहां पर जो कंट्रोल कर रहे थे, तो जो ही उसने कहा इडियट, धक्का दिया, तो ही गंगा प्रसाद जी समझ गए अब कुछ ना कुछ अनहोनी होनी है, तो त्यो ही उन्होंने फेडर ऑफ कर दिया। तो इसलिए उनके पास में तो केवल ये शब्द क्या है कि धक्का दिया, बस इसके बाद में आवाज आगे की नहीं पहुंची। और तो स्टेज के तो और भी बहुत से किस्से हैं, रामलीला के जैसे किस्से हैं कि वहां पर जो है हनुमान जी वो हाँ हनुमान जी जैसे सीता जी को अंगूठी पटकते नहीं हाँ अंगूठी देते हैं रामचंद्र जी के ऊपर से पेड़ पर से, तो उन्होंने अंगूठी पटक दी और वो सीता जी विलाप कर रही है, भाई क्या हो गया रामचंद्र जी को, उनकी अंगूठी मेरे पास कैसे आ गई। तो ऊपर से जो उनका जो ओरिजिनल जो आइडिया था प्रोग्राम था वो ये था कि रस्सी के सहारे लटकते हुए हनुमान जी नीचे आएंगे, जिससे कि ये पता चले कि उड़ते हुए आ रहे हैं वो। अब हकीकत में ये हुआ कि जो रस्सी जिसके पास जो पीछे था बैकग्राउंड में जिसको कि रस्सी ढीली करनी थी वो रस्सी उलझ गई थी, अब रस्सी उलझ गई तो रस्सी ढीली नहीं हो रही थी, तो अब क्या करें, तो साहब फिर उससे और कुछ आव देखा नेता उसने रस्सी को काट दी। अब रस्सी को काट दी तो हनुमान जी तो उसको पकड़ के खड़े थे, तो जो ही उसको हनुमान जी उसको पकड़ खड़े थे रस्सी कटी दम से नीचे गिरे, वहां राम लक्ष्मण जी बैठे थे, तो जो है वो रामचंद्र जी पूछने लगे कि वत्स हनुमान, वो थी उनको लक्ष्मण जी बेहोश थे ना तो लेने गए थे ना संजीवनी बूटी लेने गए थे, तो संजीवनी बूटी तुम ले आए? तो जो हनुमान जी को बड़ा गुस्सा आ रहा था, उसे कि संजीवनी बूटी को गोली मारो, पहले बतलाओ रस्सी कैसे काटी थी। तो ये स्टेज पर हुआ तो जो है वो हनुमान जी को भी गुस्सा आ गया, तो उन्होंने कहा कि रस्सी वहां काटी होगी किसी तेरे बाप ने, मुझे क्या कह रहा है। तो फिर वो जो प्रोग्राम करने वाले थे उन्होंने फटाफट पर्दा बंद किया और यहीं पर फिर उन्होंने क्षमा वगैरह मांगी, बस वो आगे का प्रोग्राम चला। तो आपके जो ज्यादातर नाटक रहे हैं उसमें आपने व्यंग पुट भी ज्यादा लिया है, रामलीला और नाटक में भी कहानियों में भी व्यंग, जैसे आपने व्यंग ज्यादा जो व्यंग और प्रहार की शैली अपनाई, इसके पीछे क्या कारण रहा, क्यों आपको लगा कि व्यंग विधा जो है उसके जरिए जो है आपके बात प्रभावी तरीके से? कुछ कोई विशेष बात तो नहीं कह सकते, लेकिन मुझे लगा कि कभी कभी जब बात करते हैं तो आम आदमी भी जब अगर आप सीधी बात उसको कहते हैं तो नाराज हो जाता है,
और उसको व्यंग में थोड़ा सा घुमा फिरा के कहें, कोई आदमी बैठा हुआ है बड़ी अपनी तारीफ कर रहा है, गणेश साहब मैंने ये किया ये किया ये किया, और आप उसको कहेंगे अरे साहब आपका क्या है, आप तो बहुत 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 बड़े आदमी हैं, तो खुश भी हो जाएगा, लेकिन आपने उसको मार दिया, थप्पड़ मार दिया। तो इसलिए कुछ मन में ऐसी बात उठी कि भाई सीधी बात कहने से लोग नाराज होते हैं, तो जो बात कहनी है उसको घुमा फिरा के कहो, व्यंग में कहो। तो इस तरह से व्यंग का पुट धीरे धीरे आ गया। आप 6 दशक से भी ज्यादा टाइम से लिख रहे हैं, उस वक्त का लेखन और आज के लेखन में किस तरह का बड़ा अंतर महसूस कर रहे हैं? बहुत फर्क है उस समय के लेखन में, राज उस समय की तो हर चीज में, राज की चीज में बहुत फर्क हो गया। नए लेखकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? यही बातें दो कि एक तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझिए, वातावरण को समझिए, परिस्थितियों को समझिए, अनुभव ग्रहण कीजिए, और उसके बाद उस अनुभव को अपने शब्दों में इस तरह से व्यक्त कीजिए कि आम आदमी उन शब्दों की गहराई को समझ सके। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका वक्त का तकाजा है कि आप अपनी बात यहीं खत्म करेंगे। आपने लेखन, साहित्य, नाटक से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर रोशनी डाली, काफी कुछ अच्छी बातें अपने एक्सपीरियंस के साथ आपने बताई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद सर। तो ये थे साहित्यकार, नाटककार प्रोफेसर योगेश चंद्र शर्मा। वक्त हो चुका, हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। और कलांजलि में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर लौटेंगे नई कला और साहित्यिक गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।